नमस्कार भाई लोग, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे अगर आपके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया है तो आप जो है सो उससे जो है सो मतलब रिजॉल्व कैसे करेंगे, उसको मतलब हटाएंगे कैसे कॉपीराइट स्ट्राइक को। तो दो तरीके के स्ट्राइक होते हैं, हो सकता है आपको पता होगा या फिर हो सकता है ना पता हो। एक होता है कॉपीराइट स्ट्राइक और एक होता है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। तो जो है सो कॉपीराइट स्ट्राइक में जो होता है कि अगर आप किसी का मतलब जो है सो कंटेंट आप लेके अपने वीडियो में डालिएगा तो कॉपीराइट स्ट्राइक आता है। और कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक तब आता है जब आप कुछ गलत कीजिएगा वीडियो में, अगर आपके वीडियो में कुछ इनएप्रोप्रिएट होगा तो जो है सो आपका कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक लग जाएगा। कॉपीराइट स्ट्राइक वो लगाता है आदमी जिसका वो वीडियो होता है, और कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक वो लगाता है जिसका मतलब कोई भी लगा सकता है, जिसको मतलब जो YouTube का यूज़र है अगर उसको लगा कि इस वीडियो में कुछ इनएप्रोप्रिएट है तो जो है सो रिपोर्ट करेगा वीडियो को, और उसके बाद YouTube उस वीडियो को देखेगा, अगर उसमें कुछ गलत लगा तो आपका जो है सो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आएगा। और कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक जब आता है तो आपका कुछ फंक्शन डिजेबल कर दिया जाता है, जैसे कि डिजेबल कर दिया जाएगा, जैसे कि आपका जो है सो कभी कभी लाइव स्ट्रीमिंग डिजेबल कर दिया जाता है, कभी कभी अगर ज़्यादा हुआ तो अपलोड करना ही डिजेबल कर देता है, कभी कभी थंबनेल लगाना डिजेबल कर देता है। तो ऐसे चलता रहता है। अगर ज़्यादा कीजिएगा मतलब दो स्ट्राइक आ गया है तो हो सकता है आपका जो है सो अपलोड जो वीडियो करते हैं वो अपलोड ही बंद कर दे, अपलोड करना बंद कर दे। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं अपने चैनल पर। पहले यूट्यूब खोल लिए, उसके बाद अपना क्रिएटर स्टूडियो खोल लिया। तो जब आपका स्ट्राइक आएगा ना तो क्रिएटर स्टूडियो जब आप खोलिएगा तो सबसे पहले आपको यही इन्फॉर्मेशन देगा कि मतलब आपके चैनल पे स्ट्राइक आ गया है, और स्ट्राइक आ गया है और जो है सो आपका जो है अगर कॉपीराइट स्ट्राइक होगा तो आपको जो है सो टिकट दे देगा और आपको स्कूल भेज देगा। पता नहीं कौन सा स्कूल भेजता है, उसमें कुछ क्वेश्चन का आंसर देना होता है। अगर आप आंसर दे दिए तो आप हट जाइएगा, नहीं तो जब तक आंसर सही सही नहीं दीजिएगा तब तक आपको जो है पढ़ाता रहेगा कि क्या मतलब कॉपीराइट कैसे काम करता है। और कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक में नॉर्मली जो है सो मतलब कुछ लिखा रहता है कि मतलब आप जो है सो कुछ गलत डाले थे, इनएप्रोप्रिएट डाले थे, और उसके बाद आई एक्नॉलेज क्लिक कर दीजिएगा तो जो है सो नॉर्मली आपको छोड़ देगा। लेकिन कॉपीराइट स्ट्राइक में नहीं छोड़ता है, कॉपीराइट स्ट्राइक में आपको पूरा पढ़ा के रहता है ऊपर से लेकर नीचे तक। तो यही है उसका प्रोसेस। और जहाँ तक बात है कॉपीराइट स्ट्राइक हटाने का, तो आपको जो है जैसे देख लीजिएगा मेरे जो खुल गया डैशबोर्ड खुल गया। अब हम चैनल पे जाएंगे तो देखिएगा यहाँ पे मेरे चैनल पे दो स्ट्राइक है अभी फ़िलहाल, इसलिए मैं स्ट्राइक वाले वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ गया और ये बहुत घटिया बात है। देख सकते हैं आप यहाँ पे कॉपीराइट स्ट्राइक है और एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है, दो स्ट्राइक है मेरे चैनल पर। तीसरा स्ट्राइक आया तो मेरा चैनल बंद हो जाएगा। तो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक इसलिए आया क्योंकि एक वीडियो में हम जो है सो एक उसके टाइटल में गलत वर्ड यूज़ कर दिए थे। और कॉपीराइट स्ट्राइक इसलिए आया क्योंकि हम एक रिएक्शन वीडियो बनाए थे, उसमें जो है सो जिसके वीडियो को यूज किए थे उनको जो है सो ख़राब लग गया, उनको जो है सो उनके प्रति मतलब उनके प्रति उनके अगेंस्ट हम बोल दिए थे तो उनको ख़राब लग गया, तो जो है सो वीडियो को टेक डाउन कर लिए। अब जहाँ तक बात आता है कॉपीराइट स्ट्राइक को रिजॉल्व करने का, पहले कम्युनिटी गाइडलाइन देख लेते हैं। तो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक को क्या कहते हैं हटाने के बाद आता है जहाँ तक, तो अगर आपकी कम्युनिटी गाइडलाइंस मतलब स्ट्राइक में अगर आपके जो वीडियो में कुछ ऐसा था नहीं था, मतलब जो आप टाइटल में लिखे थे, कहने का मतलब कुछ उतना बुरा नहीं था आपका वीडियो, तो आप जो है सो सिंपली यहाँ लर्न मोर के नीचे एक ऑप्शन आता है, मेरे में नहीं आ रहा है क्योंकि ये 11 दिन का हो गया, तो उस पर क्लिक कीजिएगा ना, तो उसके बाद जो है सो आप मैसेज कर पाएंगे यूट्यूब को, और जो है सो उसमें आप ईमेल कीजिएगा, नॉर्मली शायद हाँ ईमेल ही होता है एक, तो ईमेल कीजिएगा कि मतलब ऐसा ऐसा बात है सो मेरे मतलब जो है सो कंटेंट में ऐसा कुछ नहीं था, आप चेक कर लीजिए, तो चेक करेगा और उसके बाद अगर नहीं होगा तो हटा लेगा, एक रीज़न हो गया। और अगर नहीं है मतलब आपके कॉन्टेंट में कुछ गलत था तब तो आप हटा ही नहीं सकते हैं कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक को। और जहाँ तक बात है कॉपीराइट स्ट्राइक को हटाने का, तो कॉपीराइट स्ट्राइक को देखिए सी मोर में यहाँ पे इसको खोलिएगा ना, जैसे टी सीरीज पर से प्यूडीपाई बाय मास्टर सेलेस है तो इस रिएक्शन वीडियो को खोलिएगा, जब जैसे रिएक्शन वीडियो को हम खोले ना तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे जो है सो उसका ईमेल आईडी दे देगा जिसका कॉपी मतलब जो आपके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक लगाया है, ठीक है।
तो इस ईमेल पे आप जाके मतलब जैसे कि आपका जो आया होगा तो आपका जो है सो आपका जो आपको जो स्ट्राइक लगाया होगा उसका ईमेल दिया होगा, आप उससे बात कीजिए, अगर वो मान जाता है तो हटा लेगा, और अगर नहीं मानता है तो फिर आपका जो है सो कोई नहीं हटा सकता है। यही एक रीज़न है, मतलब यही एक सिंपल सा तरीका है। और अगर आपको लगता है कि जो है सो क्या कहते हैं आपको जो आपके चैनल में कुछ ऐसा इलीगल नहीं है, आपको लगता है कि आप फेयर यूज़ के अंदर आते हैं, तो YouTube केयर नहीं करता है कि आप फेयर यूज कर रहे हैं या नहीं, YouTube सीधे स्ट्राइक लगाएगा। लेकिन आपको लगता है कि मतलब आप अगर सही हैं, आपकी वीडियो में कुछ ऐसा नहीं था मतलब, तो आप जो है सो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं सबमिट काउंटर नोटिफिकेशन। उसके बाद जो है सो प्रोसेस लीगल प्रोसेस होगा, उसके बाद कोर्ट वकील के लिए तैयार रहिए, वकील कर लीजिए अपना। उसके बाद का प्रोसेस अगर हमको पता नहीं क्योंकि कभी किए नहीं, उसके बाद वही होगा मतलब जो कोर्ट वकील है, यही इतना तो हम भी बता सकते हैं। लेकिन रिक्वेस्ट रिट्रैक्शन, या तो आप सीधे यहाँ से क्या कहते हैं कांटेक्ट कर लीजिए उनको डायरेक्ट, या फिर रिक्वेस्ट रिट्रैक्शन के जरूर एक ईमेल कीजिए, जो कि ईमेल जाएगा यूट्यूब के पास और वो ईमेल जाएगा उनके पास जिनका ये वीडियो था, तो जो है सो वो भी मान जाए। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं आप। तो यही एक तरीका था, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि मेरे पास स्ट्राइक है तो समझ सकते हैं कि कितना तकलीफ होता है जब स्ट्राइक आता है। इसलिए सोचे एक वीडियो बना देते हैं जैसे कि जिनको नहीं आता है उनको समझ में आ जाए क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय।